रावण। रामायण का एक ऐसा प्रमुख किरदार जिसके बिना पूरी रामायण अधूरी है। रामायण में बताई गई घटनाओं के अनुसार रावण एक क्रूर, निर्दयी और अहंकारी राजा था। इसके साथ ही वह शिव जी का सबसे बड़ा भक्त और बहुत शक्तिशाली भी था। पर क्या रामायण में जितना रावण के बारे में बताया गया है उसके जीवन का केवल उतना ही हिस्सा था? इसका जवाब है नहीं। पूरे रामायण में रावण के समस्त जीवन का वर्णन कहीं पर भी नहीं मिलता। तो चलिए जानते हैं रावण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियों के बारे में जिनका वर्णन रामायण में नहीं है। कहा जाता है कि विष्णु जी के लोग वैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। एक दिन ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने वैकुंठ धाम जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाई, पर वैकुंठ धाम के द्वार पर ही जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर रोक दिया और कहा कि ये विष्णु जी के आराम करने का समय है और आप इस समय उनसे नहीं मिल सकते। जय और विजय की ये बात सुनकर ब्रह्म कुमार क्रोधित हो गए और ये श्राप दे दिया कि उन्हें वैकुंठ धाम का त्याग करना होगा। जब जय और विजय ने ब्रह्म कुमारों से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दें, तब ब्रह्म कुमारों ने दो विकल्प दिए कि या तो वे विष्णु जी के भक्त बनकर 7 जन्मों तक पृथ्वी पर रहें या 3 जन्म तक पृथ्वी पर विष्णु जी के दुश्मन बनकर रहें। जय और विजय ने दूसरा विकल्प चुना, जिसके कारण रावण और कुंभकर्ण ने धरती पर भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के दुश्मन के रूप में जन्म लिया। रावण, जिसने अपनी शक्तियों से सारे लोगों को चुनौतियां दी थी और जो एक ब्राह्मण राक्षस था। रावण ऋषि विसर्वा का पुत्र था जो कि एक ब्राह्मण थे और उनकी माता कैकसी थी जो एक क्षत्रिय राक्षसी थी, जिसके कारण रावण को अपनी माँ की तरफ से राक्षसों वाले गुण और शक्तियाँ मिली और पिता की तरफ से मिली ब्राह्मणों की तेज बुद्धि, जिस वजह से जन्म से ही रावण में ब्राह्मण और राक्षस दोनों के ही गुण थे। इसीलिए रावण को कहा जाता है ब्राह्मण राक्षस। जब हनुमान जी और उनकी सेना लंका पहुंचने के लिए पुल बना रही थी, तब उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने एक यज्ञ आयोजित किया जिसे केवल एक ज्ञानी ब्राह्मण ही कर सकता था। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण था और यज्ञ करने के लिए रावण ब्राह्मण होने के नाते सबसे उपयुक्त था। भगवान राम ने यज्ञ करने के लिए रावण को निमंत्रित किया, लेकिन हैरानी की बात है कि रावण ने इस निमंत्रण को ठुकराया नहीं और यज्ञ स्वयं किया, जिससे राम सेतु पुल का निर्माण हो सका और वानर सेना लंका तक पहुंच सकी।